मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, दो मुस्लिम औरतें, क्योंकि यहाँ पर शेप चेंज हो रहा है, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। सिमिलरली लास्ट कॉलम, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, तमाम मुस्लिम औरतें, ऑल मुस्लिम फीमेल, ऑल मुस्लिम विमेन, ठीक है। अब इसको हम पूरे टेबल को एक साथ पढ़ते हैं। ये टेबल भी आप सब लोगों ने इसको लर्न करना है और ग्रुप में इसको सुनाना है सबने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। एक मरतबा और पढ़ते हैं। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। एक मुस्लिम औरत, वन मुस्लिम वुमन। मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, दो मुस्लिम औरतें, टू मुस्लिम विमेन। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, ऑल मुस्लिम विमेन, तमाम मुस्लिम औरतें। ये हमारा टेबल हो गया, हमें मीनिंग भी पता चल गए, लेकिन इसके एंडिंग में जो चेंजेस है वो याद रखने। मतुन, मतन, मतिन, तन, तुन, तन, तिन, ठीक है। ये है एंडिंग, यहाँ पर एंडिंग साउंड है क्योंकि सिंगुलर है। फिर यहाँ पर आनी, आईनी, आईनी, तो हमने इसको तानी, तैनी, तैनी इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को ये समझने में आसानी हो जाएगी फीमेल के लिए, लेकिन असल में ये आनी, आईनी, आईनी ही है, वो तो उसका गोलता तो उसका पार्ट है ना, तो ता की तो साउंड आनी है, जो भी वर्ड है उसके आगे आनी और आईनी ऐड कर दो तो वो दो बन जाता है। दो बनाने का यूनिवर्सल तरीका है, किसी भी वर्ड को सिंगल से डुअल बनाना है, मतलब वाहिद से मुसन्ना बनाना है, तो सिंपल तरीका है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे कोई भी वर्ड हो, आप उसको सिंपली आनी और आईनी लगाते ही दो बना सकते हैं, एक से दो बनाने का यही तरीका है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन फीमेल में जो है प्लूरल बनाने का तरीका डिफरेंट है मेल के बनिस्बत। मेल में ऊना ईना ईना था, फीमेल में आतुन आतिन आतिन है, ठीक है। देखिए आतुन आतिन आतिन, देखिए हमने यहाँ पर एक ए लिखा है, वन ए मेंशन किया है, यहाँ पर डबल ए लिखा है, ताकि प्रोनंसिएशन में भी डिफरेंस फील होना चाहिए, वरना अगर आप मुस्लिम मतुन इसको भी पढ़ने लगेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सुनने में एक मुस्लिम औरत, और यहाँ पर आतुन है, ठीक है। चले होपफुली ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, और मजीद आगे आगे चलते चलते क्लियर हो जाएगी जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखिए ये इसके मीनिंग हो गए, ये भी आप लोगों को दे दिए हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा इंशाल्लाह। एक मुस्लिम औरत, दो मुस्लिम औरतें, तमाम मुस्लिम औरतें, ठीक है। ये वन है, ये टू है, ये ऑल है। अब ये वही टेबल है, एंडिंग साउंड्स, एंडिंग कॉम्बिनेशन, ठीक है। वहां पर एंडिंग साउंड सेम थी, डुअल में भी एंडिंग कॉम्बिनेशन सेम था, यहाँ पर अन उन इन सिंगुलर में, डुअल में आनी आईनी आईनी, वहां पर भी मेल मैस्कुलिन, मुस्लिम मुन टेबल में भी और मुस्लिम अतुन टेबल में भी, दोनों में आनी आईनी आईनी। अब यहाँ वहां पर था ऊना ईना ईना, यहाँ पर है आतुन आतिन आतिन, तो यहाँ पर हमें चार एंडिंग कॉम्बो मिले और तीन एंडिंग साउंड। ये देखिए रिपीट है ना, ये दो दो वर्ड रिपीट है एक जैसे, तो हम इसको एक एक की बार गिन लेते हैं, तो वन टू थ्री फोर, चार कॉम्बोज हैं और तीन साउंड्स हैं। तो अगर हम इसको कंबाइन करें ना, मुस्लिमुन और मुस्लिमतुन टेबल को कंबाइन करें, तो हमारे पास हो जाते हैं तीन एंडिंग साउंड, अन उन इन या अ उ ई, डबल या सिंगल जबर जेर पेश, ठीक है। दम्मा फतहा कसरा, डबल भी हो सकता है सिंगल भी हो सकता है, वो एंडिंग साउंड की पहचान है, सिंगुलर की पहचान है। लेकिन डुअल में क्या था, वहां पर भी आनी आईनी, यहाँ पर भी आनी आईनी, तो हम एक ही बार गिनते हैं, तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, वहां और यहाँ सेम है, तो एक एक एंडिंग कॉम्बिनेशन आनी हो गया, एक एंडिंग कॉम्बिनेशन आईनी हो गया, ठीक है। तो दो कॉम्बोज हो गए, ये वन टू थ्री एंडिंग साउंड, तीन एंडिंग साउंड्स, फिर
आनी एक हो गया, ऐनी दो हो गया, वहां पर क्या था ऊना तीन हो गए, फिर ईना चार हो गए, यहां पर हो गया पांच आतुन और ये हो गया छे। तो आपके पास छे एंडिंग कॉम्बिनेशन है और तीन एंडिंग साउंड्स है। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को कॉम्बिनेशन क्यों कह रहे हैं ना, क्योंकि इसके अंदर आपको जबर जेर पेच नहीं मिल रहा है, एक एक पूरा पूरा कॉम्बो बना हुआ है ना, आनी ऐनी ऊना ईना आतुन आतिन, इस तरीके से वर्ड्स को मिलाकर कंबाइन करके लिखा गया है, इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन नाम दे दिया गया है। एक सहूलत के लिए दिया गया है ये नाम, ताकि इजीली ये चीज याद हो जाए। ठीक है, तो अब आपने याद रखना है आपके पास छह एंडिंग कॉम्बोज हैं और तीन एंडिंग साउंड है। लेकिन सबसे अहम चीज क्या है कि जब भी आप किसी भी वर्ड का जेंडर नंबर पता करने लगेंगे, अदद पता करेंगे कि ये वो सिंगुलर है डुअल है या प्लूरल है, तो सबसे पहले आपने ढूंढना है उसके अंदर एंडिंग कॉम्बिनेशन। तो पहले तो हम चार कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे थे, अब आपको छह कॉम्बोज ढूंढने होंगे। क्या किसी वर्ड के एंड में आनी ऐनी मौजूद है? अगर नहीं है तो वो डुअल नहीं हो सकता, मुसन्ना नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता। क्या किसी वर्ड के आखिर में ऊना ईना मौजूद है? अगर मौजूद नहीं है तो वो प्लूरल मेल नहीं हो सकता, यानी जमा मुजक्कर नहीं हो सकता। फिर तीसरी चीज क्या देखना है कि उस वर्ड के एंड में आतुन आतिन मौजूद है? अगर आतुन आतिन मौजूद है तो वो जमा मौनस हो जाएगा, प्लूरल फीमेल हो जाएगा। अगर नहीं मौजूद है तो वो क्या हो जाएगा, ना वो डुअल रहा ना प्लूरल रहा, ना मेल रहा ना फीमेल रहा, प्लूरल का मेल फीमेल जमा मुजक्कर जमा मौनस नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि ये सिंगुलर है, आप डायरेक्टली किसी भी वर्ड को सिंगुलर नहीं कहेंगे जब तक कि आप ये छह चीजें उसके अंदर उससे मुतमइन नहीं हो जाते। अगर ये चीज छहों में से कोई एक कंफर्म हो जाता है तो वो उसका नंबर वो हो जाएगा डुअल प्लूरल। अगर इन छहों में से कोई नहीं आता तब आप कहेंगे कि ये सिंगुलर है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं मुस्लिमुन से डुअल कैसे बनाए, ये एक अलग से स्लाइड लिख दी गई थी आप लोगों की आसानी के लिए। मुस्लिमुन के आगे आनी और ऐनी लगाया तो मुस्लिमानी मुस्लिमैनी हो गया। ठीक है, मुस्लिम मुन के आगे मुस्लिम आनी और ऐनी लगाने से मुस्लिमानी मुस्लिमैनी हो गया, यानी एक मुस्लिम मर्द से दो मुस्लिम मर्द बनाने का ये तरीका है, आनी ऐनी लगा दो। फीमेल में भी वही तरीका है, मुस्लिम मतुन के आगे आनी ऐनी लगा दें तो मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी हो गया, दो मुस्लिम औरतें। ठीक है, तो ये डुअल बनाने का तरीका है आनी ऐनी का एडिशन। प्लूरल बनाने का क्या तरीका है, मेल में ऊना ईना, फीमेल में आतुन आतिन। मेल में ऊना ईना, देखिए मेल में ऊना ईना, फीमेल में आतुन आतिन, तो मुस्लिम मुन है ऊना ईना, मुस्लिम ऊना मुस्लिम ईना, मुस्लिम मतुन है तो ये गोलता हटा देंगे मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन। ठीक है, गोलता हटा के अलिफ्ता लगा दीजिएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि स्टेटस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यानी या एराब किसी भी वर्ड का एराब कैसे पता करते हैं, रोल ऑफ स्टेटस। ये तरीका लिख दिया है कि पहले आप किसी भी वर्ड के एंड में उसका कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे और फिर अगर कॉम्बिनेशन नहीं पाया जाता तो फिर एंडिंग साउंड पता करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप पहले ही उस वर्ड को सिंगुलर कह देंगे तो बिल्कुल वो सारी पूरा उसका एराब जो होगा, जो रफा नस्ब जर है, आप कभी भी नहीं पता कर पाएंगे। रफा नस्ब जर पता करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसका नंबर, आपको उसका नंबर पता हो कि वो सिंगुलर है डुअल है या प्लूरल है, और सिंगुलर डुअल प्लूरल यानी कि वाहिद जमा और मुसन्ना पता करने का ये तरीका है कि पहले आप उसमें आनी ऐनी ऊना ईना आतुन आतिन ढूंढेंगे और वो नहीं मिलता तो फिर आप कहेंगे कि ये सिंगुलर है, क्योंकि सबका एराब अलग है, सबका स्टेटस अलग है, सबका रफा नस्ब जर पहचानने का तरीका अलग है। ठीक है, ये हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोगों के जहन नशीन हो जाए ये बात। अब हम एक्सरसाइज करते हैं इंशाल्लाह, आइडेंटिफाई स्टेटस एंड नंबर। अब आप लोगों ने यहाँ पर चैट में आंसर करना है,
हम स्लोली स्लोली करेंगे इसको, और इससे आप लोगों को इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी कि इसका मतलब जेंडर क्या है, नंबर क्या है और स्टेटस क्या है, ये आप तीनों चीजें पहचान पाएंगे। सबसे पहले वर्ड लेते हैं हम बिहिजारतिन, बिहिजारतिन। अच्छा, अब आप देखेंगे इस वर्ड को तरीके से जाएंगे, अगर जो सीक्वेंस है सीक्वेंस वाइज जाएंगे, एक तरतीब से जाएंगे, तो कभी आपकी ना एराब में गलती होगी ना नंबर में गलती होगी। सबसे पहले हम देखते हैं बिहिजारतिन जो वर्ड है, ये मुस्लिमतुन टेबल से मैच हो रहा है या मुस्लिमुन टेबल से, गोल ता दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे इसके अंदर आनी ऐनी ऊना ईना आतुन आतिन कोई वर्ड दिखाई दे रहा है या नहीं, तो हम ढूंढते हैं इसमें। आनी ऐनी नहीं है यहाँ पर, ओके, तो ये डुअल नहीं हो सकता, यानी क्या नहीं हो सकता, मुसन्ना नहीं हो सकता, दो के बारे में बात नहीं हो रही। अब आप देखेंगे इसके अंदर ऊना ईना मौजूद है क्या, ऊना ईना भी मौजूद नहीं है, ठीक है, ऊना ईना भी मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि ये प्लूरल मेल भी नहीं हो सकता, जमा मुजक्कर भी नहीं है। अब हम देखेंगे आतुन आतिन है क्या, आतुन आतिन भी नहीं है, तो अब आप क्या कहेंगे कि ना इसमें आनी ऐनी है, ना ऊना ईना है, ना आतुन आतिन है, यानी ये ना जमा है ना मुसन्ना है, ना डुअल है ना प्लूरल है, यानी अब क्या कहेंगे आप, सिंगुलर है। सिंगुलर में ये मुस्लिमतुन टेबल में कहां मैच होता है, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में या थर्ड रो में, तो हम देखते हैं ना ये मुस्लिमतुन है ना मुस्लिमतन है, ये मुस्लिमतिन के पैटर्न पर आ रहा है, हिजारतिन, तो ये हम कहेंगे कि ये सिंगुलर है, फीमेल है, गोलता आ रहा है, फीमेल है, सिंगुलर है, और ये जर है क्योंकि थर्ड रो में आ रहा है ये, और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। पहला कॉलम, कॉलम देखिए, कॉलम कहते हैं इसको, कॉलम इसको कहते हैं और रो इसको कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिए, कॉलम यानी खड़ा और रो यानी ये जो आड़ा वाला होता है, इसको रो कहा जाता है। तो रो में, लास्ट रो में है, थर्ड रो में यानी जर का, जर की रो है, और फर्स्ट कॉलम में यानी सिंगुलर है, वाहिद है, वाहिद जर मुअन्नस, इसके बारे में आपको तीन मालूमात पता चली, ये वाहिद है, ये मुअन्नस है, ये जर है। अब हम आते हैं दूसरे वर्ड पर, काफिरतैनी, काफिरतैनी। अब आपने मैच करना है इस वर्ड को कॉम्बिनेशन से, क्या इस वर्ड में कोई कॉम्बिनेशन पाया जा रहा है या नहीं। पहले तरीका यही है कि कॉम्बो ढूंढे, आनी का कॉम्बिनेशन है इसमें, नहीं है, ऐनी का कॉम्बिनेशन है, हम चेक करते हैं, काफिरतैनी ऐनी, ऐनी आ रहा है, दैट मींस बाकी सारी चीजें निकल गई, ये सेकंड रो में आ गया, सेकंड कॉलम में आ गया, सेकंड कॉलम में यानी डुअल में आ गया, दो के बारे में बात हो रही है, तो अब आपको पता चल गया कि इसका नंबर है दो, यानी ये किसी दो चीज के बारे में बात हो रही है, मीनिंग चाहे जो हो, ये दो के बारे में बात हो रही है, यानी ये डुअल है, मुसन्ना है। फिर दूसरी चीज ये कि डुअल में ये किस जगह पर आता है, आईनी रो में, तो ये दो रोज में आता है, सेकेंड रो में आता है और थर्ड रो में आता है, सेकेंड रो में क्या था, नज्ब, और थर्ड रो में क्या था, जर, तो आप कहेंगे कि या तो ये नज्ब है या जर है, नज्ब और जर इसका स्टेटस है, इसका इराब नज्ब और जर है, और इसका जो नंबर है वो डुअल है, और ये तैनी है, इसका मतलब ये काफी रतुन से बना है, यानी कि ये फीमेल है, मुअन्नस है, तो नज्बिया जर, मुअन्नस, और इसका वो क्या है, नंबर डुअल, यानी कि दो। अब तक सबको सब समझ आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो अपने हैंड रेस करें कि हम किस तरीके से इसका नंबर, जेंडर और स्टेटस निकाल रहे हैं। सबको समझ आ रहा है, जिसको नहीं समझ में आया है बस दे कैन रेज देयर हैंड्स। चले अल्हम्दुलिल्लाह, चले हम आगे बढ़ते हैं, जहां भी नहीं समझ में आया है तो आप लोगों ने अपने हैंड रेस करना है, हमें पॉज करना है, तो हम आगे से दोबारा से उस चीज को रिपीट करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, मुसद अस्सयारता, अस्सयारता, अब ये ता आ गया ना एंड में,
सबसे पहले तो हमने वही काम करना है, पहले आनी ऐनी ऊना ईना आतुन नातिन ढूंढना है। तो इसमें ना आनी ऐनी दिखाई दे रहा है सयारता, ना आनी का आपको आवाज सुनाई दे रही है, ना ऐनी की आ रही है, ना ऊना की है इसमें, ना ईना की आवाज है, ना आतुन ना आतिन। जब ये छह चीजें नहीं है तो इसका मतलब ना ये जमा है ना ये मुसन्ना है, यानी ना ये डुअल है ना प्लूरल है। तो इसका मतलब अब क्या कंक्लूड करेंगे आप कि ये सिंगुलर है। तो अब आपको नंबर पता चल गया कि ये सिंगुलर है, ठीक है, यानी कि वाहिद है। दूसरी चीज ये कि आपने इसके एंड में देखा गोलता है, और गोलता किस चीज की निशानी होती है, फीमेल की, फीमेल की साइन होती है गोलता, फेमिनिन की साइन होती है। तो आपको दो चीजें पता चल गई, फेमिनिन हो गया ये सिंगुलर हो गया, वाहिद मोनस हो गया। अब हम आते हैं इसके एराब के ऊपर, इसका स्टेटस। अब हम देखें कि ये जो है मुस्लिम मतुन टेबल में कहां मतलब फिट होता है। ये सिंगुलर है तो पहले तो दो कॉलम निकाल दीजिए, पहले सिंगुलर के कॉलम में आ जाइए। सिंगुलर के कॉलम में हमारे पास तीन चीजें हैं, मुस्लिम मतुन, मुस्लिम तन, मुस्लिम तिन, तुन तन तिन। तो अब देखें वहां पर तो दो जबर दो जेर दो पेश है, दम्मतैन फतहतैन कसरतैन है, यहाँ पर तो एक ही जबर है, अब कैसे पहचाने। तो अब देखिए हमने वो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी किसी भी वर्ड के पहले अल आ जाता है तो वो क्या करता है, किसी भी वर्ड का जो डबल जबर डबल जेर डबल पेश है उसको सिंगल जबर सिंगल जेर सिंगल पेश में कन्वर्ट कर देता है। और अल का काम क्या होता है, जो इंग्लिश में द का काम होता है, इंग्लिश में आर्टिकल द होता है ना, वही काम करता है ये, यानी कि द खास किसी भी चीज को खास करने के लिए, आम से खास करने के लिए अल लगाया जाता है। अच्छा अब देखें कि ये यहाँ पर दो ता दो जबर की बजाय एक जबर आ रहा है, यानी कि मतलब जबर वाली कंडीशन है, फतहा वाली कंडीशन है। फतहा कहाँ पर आता है हमारे फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो में। सेकेंड रो क्या होती है, उसका नाम क्या है, नज्ब। तो सेकेंड रो का नाम नज्ब है, तो इसका मतलब हो गया ये सिंगुलर है, फेमिनिन है, नज्ब है, वाहिद मोनस नज्ब। तो ये इस तरीके से आपने पता करना है, बाकी जो ये चार हैं ये आपका होमवर्क है। एक एक और ले लेते हैं हम, अस्सोलिहातु, अस्सोलिहातु। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कोई एंडिंग कॉम्बिनेशन पाया जा रहा है क्या नहीं। आनी ऐनी, देयर इज नो आनी ऐनी, ऊना ईना, नो ऊना ईना, आतुन आतिन, आतू आतुन, ठीक है, आतू देखें सुनाई दे रहा है, अस्सोलिहातु। तो देखें ये सिंगुलर नहीं है, हम बताते हैं क्यों सिंगुलर नहीं है। आपने पहले ये देखना है कि अल लगाए क्या नहीं, अगर ये अल हटा देंगे ना तो इसका मतलब हो जाएगा ये दो पेश, तो ये सोलिहातुन पैटर्न पर आ रहा है। अब सोलिहातुन किससे मैच कर रहा है, अगर हम टेबल पढ़े मुस्लिमतुन टेबल पढ़े तो मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी मुस्लिमातुन सोलिहातुन। तो देखें थर्ड कॉलम में ये मैच कर रहा है, थर्ड कॉलम का मतलब क्या है, आतुन आ गया, यानी कि ये जमा है, जमा मोनस हो गया, जमा मोनस यानी प्लूरल फीमेल। अब इसके ऊपर सिर्फ दम्मा की साइन दिखाई दे रही है, पेश की साइन दिखाई दे रही है। हमने क्या कहा था, या तो एक दम्मा हो या दो दम्मा हो चलेगा, ठीक है। अब ये जो दो दो दम्मा है ये अल की वजह से एक दम्मा हो गया, दो पेश जो थे अल की वजह से एक पेश हो गया। अब ये जो सोलिहातुन वर्ड था, मुस्लिमातुन जो वर्ड था, वो एक ही रो में आता है, कौन सी रो में आता है, फर्स्ट रो में आता है। फर्स्ट रो का नाम क्या था, रफा नाम था, तो रफा हो गया ये प्लूरल हो गया, और ये इसका जेंडर हो गया फेमिनिन, प्लूरल फीमेल रफा, यानी जमा मोनस रफा। बाकी तमाम जो है ये आप लोग करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ये होमवर्क करेंगे। इसके आंसर्स यहाँ पर दे दिए गए हैं, वो आपने बाद में चेक करना है। अब हम देखते हैं सबसे अहम टॉपिक, रोल ऑफ डिक्लेंशन। रोल ऑफ डिक्लेंशन यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं ना इतने दिन से, पिछले हफ्ते से हमने जो 7 दिन से आप लोगों का दिमाग खाया हुआ है, रफा नज्ब जर, रफा नज्ब जर। तो अब ये क्या है,
इसका काम क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं इस चीज को, तो वो बस आज आपने वही देखना है और आपको बहुत खुशी होगी जब आपको इसका रोल पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये कंफ्यूजन होती है कि आनी आईनी क्यों आता है, बार बार आईनी आईनी दो दो मरतबा क्यों यूज करना है। ठीक है, वो इंशाल्लाह आज क्लियर हो जाएगा। देखिये डिक्लेंशन के तीन टाइप है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से बार बार सुन के याद हो गया होगा अब तक, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप सब लोगों को याद हो गया होगा। किसी किसी ने यूं भी पढ़ा होगा, हालत रफा, हालत नज़्ब और हालत जर। तो हमें इतनी लंबे लंबे टर्मिनोलॉजीज यूज करने की जरूरत नहीं है। किसी ने मरफू, मजरूर, मंसूब इस तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है, किसी ने एक्यूजेटिव, नॉमिनेटिव और जेनेटिव इस तरीके से पढ़ा होगा। तो हमने सिंपल इसको तीन लफ्जों में याद रखे, रफा, नज़्ब, जर। ये बोलने में आसान है और आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। रफा, नज्ब, जर। फर्स्ट रो रफा थी, सेकंड रो नज्ब थी, थर्ड रो जर था। एराब किसे कहते हैं? शेप का चेंज होना, मीनिंग का चेंज नहीं होना। ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट आपके पीछे के क्लियर होते रहना चाहिए, बार बार हम इसलिए दोहराते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। रफा का क्या काम है, आज आपको ये पता चल जाएगा रफा का क्या काम है। जो भी वर्ड्स रफा की हालत में होंगे, यानी के कहां पर होंगे, टेबल की कौन सी रो में होंगे, फर्स्ट रो में होंगे। जो भी वर्ड फर्स्ट रो में होंगे तो आप उन्हें आंख बंद करके कहेंगे कि वो फाइल हैं। फाइल का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर ऑफ एन एक्शन यानी क्या होता है? काम करने वाला। जो भी काम करने वाला होगा वो हमेशा रफा की हालत में आएगा। तो हमारे पास कितने रफा, हमने दो टेबल बनाए तो हमारे पास छह रफा की हालतें थी, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना। अब इस पैटर्न पर आप ढेरों रफा बना सकते हैं, इसी पैटर्न पर, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना। ये सारे के सारे क्या हैं? काम करने वाले, डूअर, फाइल, सब्जेक्ट, जो आपने कहना है, जो नाम रखना है आप चारों में से रख दें, या फाइल कह लें, या सब्जेक्ट कह लें, या डूअर कह लें, या काम करने वाला कह लें। रफा का काम होता है, रफा का रोल ये है कि वो सारे काम करने वाले होते हैं, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, तो रफा यानी के काम करने वाला, डूअर। तो हमारे पास दोनों टेबल की फर्स्ट रो जो है वो डूअर की है। सेकंड क्या है? नस्ब। नस्ब क्या होगा? जिनके ऊपर नस्ब यानी कि रो नंबर टू, जो हमने दोनों टेबल में रो नंबर टू पढ़ी थी, जो बीच वाली रो थी ना, मुस्लिमन, मुस्लिमाइनी, मुस्लिमीना, है ना, और वहां पर मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातिन। तो ये नस्ब है। नस्ब का क्या काम होता है? ये हमेशा किसी भी काम के बारे में डिटेल देता है। डिटेल का क्या मतलब होता है? कि काम के बारे में मजीद मालूमात बताता है कि ये काम कब, कैसे, कहाँ, क्यों, किस लिए हुआ। ये सारी जो मामलात होते हैं वो नस्ब में होंगे। हाउ, व्हेन, विच, ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, सारे जब एक चीज के बारे में बात हो रही है तो वो जितने भी क्वेश्चन उठेंगे ना, वो सारे के सारे नस्ब में जाएंगे। ठीक है, डिटेल जितनी भी होगी, मजीद मालूमात जितनी भी होगी, वो सारी हालतें नस्ब में होगी, यानी आपके टेबल के सेकेंड रो। थर्ड चीज है जर। जर कहते हैं थर्ड रो को, जो आपके टेबल की थर्ड रो है, लास्ट रो है, मुस्लिमिन, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातिन। ये जो होगी ये क्या करेगी? किसी भी वर्ड में का, की, के का तर्जुमा देगी, यानी ऑफ का तर्जुमा, अपोस्ट्रोफी एस का तर्जुमा, जो इंग्लिश में ऑफ कहते हैं ना, कार ऑफ आयशा, बुक ऑफ सलमान। तो इस तरीके से ये जो बीच में ऑफ आ जाता है ना, तो ये जो ऑफ के बाद जो भी वर्ड आएंगे ना, आफ्टर ऑफ जितने भी वर्ड आएंगे वो सारे के सारे जर में होंगे, यानी जेर के साथ होंगे, जर में होंगे, सॉरी, जेर के साथ नहीं होंगे, जर में होंगे, यानी लास्ट रो वाले होंगे। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें क्या बताई जाती है ना, जर में मिल्कियत, पजेशन, किसी भी शख्स के पास क्या चीज मौजूद है उसकी पजेशन को जर में बताया जाता है। ठीक है, अब हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको बात मजीद वाजह हो जाएगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, कुरानिक एग्जाम्पल है, कतला दाऊदु जालूता, कतला दाऊदु जालूता। अब हमने देखते हैं यहाँ पर ना, कतला हमने पढ़ा नहीं है, ये
वर्ब का पार्ट है। हमने क्या कहा था, हमारा सीक्वेंस क्या होगा, हम पहले इस्म पढ़ेंगे, फिर हर्फ पढ़ेंगे, फिर फेल फेल पढ़ेंगे। फेल का काम सबसे एंड में है, वर्ब का काम सबसे एंड में। अभी तक हमने कतला का मीनिंग नहीं पढ़ा है, ना हमने वर्ब्स पढ़े हैं, तो इसको जाने देते हैं। तो कतला का हम आपको मीनिंग खुद से बता देंगे। कतला का मतलब होता है कत्ल करना, टू किल। अब ये नीचे जितना भी लिखा हुआ है ना, आप बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान ना दें, बस दाऊद वर्ड पर ध्यान दें और जालूत वर्ड पर ध्यान दें। अब हम देखते हैं दाऊदू का एराब क्या है। दाऊदू जो है वो सिंगुलर वर्ड है, और उसके जो एराब है वो है रफा। रफा क्यों? क्योंकि उसके एंड में पेश आ रहा है रफा, सिंगुलर हमेशा पेश के साथ शो होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं जालूता। जालूता एक इंसान का नाम है, एक शख्स का नाम है, और वो सिंगुलर है। एक शख्स का नाम है तो वो सिंगुलर ही होगा ना। तो जालूता, ता के ऊपर देख रहे हैं फतहा आ रहा है। सिंगुलर में फतहा का मतलब होता है नसब, नसब। और नसब का रफा का काम क्या होता है, रफा का काम क्या होता है कि वो हमेशा काम करने वाला सब्जेक्ट बनकर आता है, काम करने वाला डूअर बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, फाइल बन जाता है। जालूता हमने देखा कि ता के ऊपर फतह है, यानी नज्ब की हालत है, नज्बी हालत है। दैट मीन्स कि ये डिटेल ऑफ एन एक्शन है, काम के बारे में मजीद मालूमात बताई जा रही है। अगर हम आपसे कहते हैं ना, अगर अभी आपने इसका नीचे का कुछ नहीं देखना है, अगर हमने आपको दो एक वर्ड का मतलब बता दिया ना, ये कतल यानी कतल किया, तो बाकी आप खुद कर लेंगे। कैसे कि कतल करने वाला कौन है यहाँ पर, बताइए कौन है कतल करने वाला? जालूत है, दाऊद है, कौन है कत्ल करने वाला? परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, डूअर कौन है यहाँ पर? दाऊद है। क्यों, कैसे पता चला दाऊद है? क्योंकि दाऊद के एंड में पेश आ रहा है, दम्मा आ रहा है, और दम्मा वाले सारे के सारे क्या होते हैं, काम करने वाले होते हैं। तो कत्ल किसने किया? दाऊद अलैहिस्सलाम ने। अब हम आपसे सवाल करते हैं किसका कत्ल किया, तो ये किसका जब सवाल उठ गया, यानी कि उसके बारे में हम डिटेल मांग रहे हैं। एक बात मुकम्मल हो गई थी ना, दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया, लेकिन आपसे मजीद मालूमात पूछी जा रही है, आपसे और डिटेल मांगी जा रही है कि कत्ल किसका किया भाई, तो आप क्या कहेंगे? जालूता। डिटेल पता कहां से चली? इस फतहा की वजह से पता चली, जबर की वजह से पता चली कि जालूत का कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने। अब देखें, अगर हम इस चीज को ना, अच्छा हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं तो आपको और बात पता चलेगी इंशाल्लाह। हम आते हैं इस एग्जांपल की तरफ, ये छोड़ दें, ये जो फर्स्ट वर्ड है ये आपका फेल है, उसको छोड़ दें, वो हम बाद में पढ़ेंगे। हम आते हैं तौली बैनी खालिदुन, नसरा तौली बैनी खालिदुन। अब आप ये बताएं, नसरा का मीनिंग हम आपको बता देते हैं, टू हेल्प। नीचे बिल्कुल नहीं देखना है आप लोगों ने, ठीक है? यहाँ पर बिल्कुल ना देखें, इस तरफ फोकस करें अरेबिक वर्ड्स पर। नसरा का मतलब होता है टू हेल्प, उस मदद की, मदद की है ना, ये इसका मदद मतलब होता है। नसर का मतलब होता है मदद करना, ये आपको पता चल गया, ये हमने बताना है क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं। दूसरी चीज ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। तौली बैनी, तौली बैनी का ये यहाँ पर स्टेटस और वो क्या है, आप लोग पहले ये बताएं, यहाँ पर इसका नंबर क्या है और स्टेटस क्या है? हाँ जी, ये नज्ब में है। दूसरी चीज, इसका नंबर क्या है? इसका नंबर है डुअल। डुअल है यानी दो लोगों के बारे में बात हो रही है, दो चीज के बारे में बात हो रही है। अगर हम कहें ना तालिबुन का मतलब होता है स्टूडेंट, तो आप फौरन से बता सकते हैं कि तौली बैनी का मतलब होता है दो स्टूडेंट, टू स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐनी लग गया ना, आनी ऐनी जहां भी लग जाता है दो बन जाता है वो चीज, तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट, तो यहाँ पर टू स्टूडेंट यहाँ पर आ गया, ठीक है? ये नज्ब या जर हो सकता है, तौली बैनी नज्ब या जर हो सकता है। खालिदुन, अब ये खालिदुन एक ही शख्स का नाम है ना, बहुत सारे तो खालिदुन की बात नहीं हो रही, एक शख्स का नाम है खालिदुन। अब ये खालिदुन किस हालत में है, इसका स्टेटस क्या है, इसका इराब क्या है? ये सिंगुलर है, वेरी गुड। और ये रफा है, रफा का मतलब क्या होता है कि वो डुअर है ना, रफा का मतलब हो गया डुअर है। दूसरी चीज, यहाँ पर दूसरा वर्ड है तौली बैनी, टू स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये तौली बैनी नज्बिया जर दोनों में से कुछ भी हो सकता है।
अब हमने आपसे कहा था जर का मतलब होता है किसी भी चीज की पजेशन बताना, मिल्कियत बताना, ऑफ बताना, आफ्टर ऑफ। तो यहाँ पर ऑफ जैसा कोई वर्ड तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमने एक चीज जो पॉसिबिलिटी हमारी निकल गई कि यहाँ ये जर नहीं हो सकता, ये नस्ब हो सकता है। अगर हम आपसे कहें कि नसरा का मतलब होता है मदद की, तो अब आप बताएं किसने किसकी मदद की, किसने किसकी मदद की, कौन है काम करने वाला, कौन है यहाँ पर? खालिद इज द डूअर, वेरी गुड, है ना। खालिद ने मदद की किसकी, तौली बैनी, तौली बैनी, दो स्टूडेंट्स की, दो बच्चों की, दो तालिबे इल्म की मदद की खालिद ने। तो देखें यहाँ पर सीक्वेंस बिल्कुल अपोजिट है इंग्लिश के मुताबिक। अगर हम इस तरह कहते ना खालिद हेल्प टू स्टूडेंट, तो इसका मतलब तो यही होता जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि खालिद ने दो स्टूडेंट की मदद की। लेकिन अगर हम यूं लिख देते ना टू स्टूडेंट हेल्प खालिद, तो बिल्कुल मीनिंग तब्दील हो जाता। हो जाता कि नहीं हो जाता, कि दो स्टूडेंट ने खालिद की मदद की, लेकिन हम तो कुछ और पढ़ रहे हैं कि खालिद ने दो स्टूडेंट की मदद की। तो अरबी जबान में सीक्वेंस कोई मायने नहीं रखती कि किस तरतीब में लिखा गया है। ये इस जबान की खूबसूरती है कि अगर आपको आगे पीछे भी कुछ नहीं पता होगा ना, तब भी आपको पता होगा कि खालिद काम करने वाला है। अगर हम ये दो लफ्ज भी हटा देते ना, ये भी कैंसिल कर देते, ये भी कैंसिल कर देते, तब भी आप बता देते कि खालिद यहाँ पर काम करने वाला है। कुछ भी नहीं कहा हमने, कहा खालिदुन, आप कह रहे हैं ये काम करने वाला है। हमने कहा खालिदिन, आप कहेंगे कि ये आफ्टर ऑफ आएगा, आप कहेंगे कि ये जर वाली हालत है, आप कहेंगे कि ये किसी की पजेशन बता रहा है। अगर हम कहते हैं खालिदन, तो आप कहेंगे कि खालिद जो है ना डिटेल बनकर आ रहा है। कुछ भी नहीं बताया ना हमने, आगे पीछे सब कैंसिल कर दिया, तब भी आपको पता है। अच्छा अगर हम ये इस चीज को है ना, ये खालिद को यहाँ पर लिख दें ना, और ये तौली बहिनी को बीच में लिख दें, और यहाँ पर पहले लिख दें, और ये नसरा को एंड में लिख दें, तब भी ये क्या बन जाएगा, उसका तर्जुमा यही रहेगा। ठीक है, तो ये इस जबान की खूबसूरती है कि ये हर अल्फाज अपने आप में कुछ बयान कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इंग्लिश का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। द टीचर ऑफ अब्दुल्ला परफॉर्म्ड हज। ठीक है, तो जिनको इंग्लिश में दिक्कत है तो वो इस तरफ से अगर नहीं भी ध्यान दे तो कोई मसला नहीं है, हम इसको उर्दू में भी बताएंगे। ओके ओके, आपको मगरिब पढ़ना है, ओके यू कैन गो। ठीक है, इंशाल्लाह ना रिकॉर्डिंग हो रही है ना, थोड़ी सी चीज आपकी रह जाएगी तो इंशाल्लाह वो यू कैन सी इन रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। शैल वी कंटिन्यू? वैसे तो हमारा मुकम्मल हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट आपकी तमरीन रह गई है, ये लास्ट एग्जाम्पल है। अगर अभी अजान हुई है तो वी कैन वाइंड अप इन 5 मिनट्स इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम जल्दी से इसको कर लेते हैं ना। द टीचर ऑफ अब्दुल्ला परफॉर्म्ड हज। अब देखें जिनको इंग्लिश आती है ना वो जवाब दें कि यहाँ पर डूअर कौन है, काम करने वाला कौन है। द टीचर इज डूअर, माशाल्लाह, तो जो काम करने वाला डूअर है। तो यानी अगर हम टीचर को अरबी में लिखेंगे तो किस तरह, कौन सी हालत में लिखेंगे, रफा नस्ब जर, कौन सी हालत में लिखेंगे, रफा में लिखेंगे, वेरी गुड। तो टीचर यहाँ पर रफा होगा। दूसरा है ऑफ अब्दुल्ला, ऑफ अब्दुल्ला, अब ये किसकी बात बताई जा रही है, पजेशन की बात बताई जा रही है, आफ्टर ऑफ। अगर ये अब्दुल्ला की टीचर है, का की के, तो ये अब्दुल्ला कौन सी हालत में होना चाहिए, इसका स्टेटस क्या होना चाहिए, जर होना चाहिए, क्योंकि